ब्लॉगिंग करता हूँ भैया, ब्लॉगिंग। देवी और सज्जन नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और मुझे उम्मीद है आप सब कोरोना महामारी से सुरक्षित हैं। गेम शो मजामो, पहन लो अपने अपने पजामो, क्योंकि आपके लिए होने वाला एक वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा इन GSRTC वॉल्वो B8R GSRTC यानी गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी गुजरात गवर्नमेंट की वॉल्वो बस। और दो बसें मेरे पीछे खड़ी है, वॉल्वो B8R, लेकिन वो नहीं है। हाँ, मेरी बस 3 बजे है, वो आएगी। हाँ, तब आपको इंटरेस्ट वगैरह दिखाएंगे। और फिलहाल ये मेरे चैनल पे होने वाला सबसे शॉर्टेस्ट जर्नी, क्योंकि डिस्टेंस है कुछ 110 किलोमीटर ओनली टाइम लगने वाले हैं, 1.25 घंटे 2 घंटे। हाँ, एग्जैक्ट टाइम उतरने के बाद बताऊँगा। और इतना ही कर सका मैं जर्नी, सूरत तक नहीं कर सका। आज वडोदरा में कुछ काम है, दो दोस्तों को मिलना है, फिर कभी सूरत या राजकोट की जर्नी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ये सब करना होता है। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल सूरत चलेंगे, राजकोट चलेंगे, जहाँ बोलो वहाँ चलेंगे। तो गाइस, ऑलरेडी मैं 650 किलोमीटर ट्रैवल करके आज अहमदाबाद आया हूँ फ्रॉम जयपुर। वो आया हूँ इन RSRTC स्कैनिया, हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। और वो जर्नी अभी अपलोडेड है, उस जर्नी के लास्ट में उन्होंने बताया था कि अहमदाबाद में सेंट्रल बस स्टेशन एक वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एसी वेटिंग रूम वूम सब बंद पड़ा है। एक्चुअली मैंने हैरिस ब्लॉग का वीडियो देखा था फ्रॉम अहमदाबाद टू राजकोट, तो वो राजकोट में अच्छी बस स्टेशन है जो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गया था इसलिए बोल दिया। लेकिन कोई नहीं, ठीक ठाक है, काफ़ी बड़ा बस स्टेशन है, लगभग 25 प्लेटफॉर्म है और बहुत बुकिंग काउंटर्स है, काफ़ी बड़ा बस स्टेशन है। बस स्टेशन देखिए आप और बस आने दीजिए, फिर इंटीरियर देखिए। बस हमारी आ गई। हाँ, डिस्टेंस होने वाला 110 किलोमीटर। जो टिकट है वो मैंने रेड बस पे बुक किया है, फेयर है वो है 230 रुपीज़, सीट है 2 नंबर फ्रंट रो ऑब्वियसली। चलिए बोर्ड करते हैं और इंटीरियर देखते हैं।
ब्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग। तो देखिए, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरा वीडियो इस तरह से एंड हो, और कभी चाहूँगा भी नहीं। जर्नी हमारी शुरू हुई थी, अच्छी चल रही थी, जैसे ही अहमदाबाद वरोड़ा एक्सप्रेसवे पे आया, एक्सप्रेसवे मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं देख रहा था काफ़ी टाइम से ड्राइवर मुझे नोटिस कर रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, रियर व्यू मिरर में देख रहा है कि भाई क्या कर रहा है, ये वीडियो क्यों बना रहा है। फिर हाईवे पे जाके उसने एक मोमेंट पे बोल ही दिया कि नहीं, ये सब हमारे गाड़ी में अलाउड नहीं है, आप परमिशन लेके आओ, ये शूटिंग अलाउड नहीं है। मैंने बोला कि भाई मोबाइल से कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। तो वैसे तो ये स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन बसेस जो है लीज पे रखी है चार्टर्ड से, ड्राइवर और बसेस दोनों चार्टर्ड के, मेंटेनेंस और ये सब जिम्मेदारी भी चार्टर्ड का ही है। तो फिर ड्राइवर ने मना किया, कंडक्टर ने मना किया, मैंने बोला कि भाई मोबाइल से यूट्यूब के लिए बस कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं दिखाते। तो फिर नहीं सुना और बहसबाजी में मेरे 10-15 मिनट ऐसे ही निकल गए। फिर मैंने बोला कि सीनियर वीनियर से बात कराओ, मुझे नोटिस दिखाओ कि अलाउड नहीं, लेकिन कुछ दिखा नहीं पाए, बस ये बोलते गए कि जो ये अलाउड नहीं है, तुम बड़ौदा उतरो, वहाँ पे पूछताछ करो। तो आप ही बताएं मैं क्या करूँ, अब जिस जगह का मैं लोकल लैंग्वेज नहीं जानता, उस जगह मैं जाके ऐसे कंप्लेंट काउंटर पे या इंक्वायरी पे झगड़ तो नहीं सकता कि मेरे को ब्लॉगिंग करने नहीं दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैंने टिकट खरीदा तो मेरे को राइट होगा ब्लॉगिंग का, लेकिन अब बिना किसी रीज़न का मेरे को ये बोला गया कि अलाउड नहीं है, मुझे उसी वक्त वीडियो बंद कर देना पड़ा। मैं कुछ कर नहीं सकता था, आज का जर्नी मेरे हाथ में था ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मेरे को शुरू से एक फीलिंग आ रहा था जर्नी से पहले ही कि नहीं हो पाएगा, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हर जगह नखरे हैं, ये है वो है, हाँ मास्क खोल के चलाएंगे। फिर अटेंडर जो है, आज क्रिकेट मैच देख रहा था, ड्राइवर फ़ोन पे बात कर रहा था, ये सब के फ़ोटोज़ लिए मैं ओवरले कर दूंगा यहाँ पे। इनफैक्ट काफ़ी जगह तो मैंने देखा है कि जो सामने वाले रोज है, 1-2-3-4 रूम सीट पे अटेंडर बैठने के लिए पैसेंजर को सीट नहीं देते, बोलते हैं कि बस भरी हुई है। और अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं नेक्स्ट कभी आपको फाल्कन की बस दिखा दूंगा फ्रॉम अहमदाबाद टू राजकोटिया, सूरत, जो भी मिले। रास्ता अच्छा था काफ़ी, उसको मैं नहीं चाहता था कि आप मिस करें। बराबर गलती अटेंडर और ड्राइवर की भी है, वो लोग क्या कर रहे थे, वो मेरे को मन है कि मैं ट्वीट करूं पर फिर वही नौकरी पे सवाल आ जाता है। तो जो भी है, फिलहाल ये वीडियो मैं आपके लिए अच्छा नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मुझे उम्मीद है मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा एक कम्प्लीट और अच्छे वीडियो के साथ।